नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिनभर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कुंदन कृतज्ञ। रघुवर सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद तमाम मंत्रियों ने अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में आज नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के द्वारा कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साहेबगंज में मल्टी मोड टर्मिनल के साथ राज्य में कई रेल परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही लो फ्लोर की कई ग्रामीण बसों की सेवाएँ भी शुरू की जाएंगी, जिससे राजधानी वासियों के साथ साथ आसपास के दूर दराज के इलाकों में ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। झारखंड सरकार ने 4.5 साल पूरा होने के बाद प्रत्येक विभाग का 4.5 साल में कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई है और कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जानी है, इस संबंध में मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपनी संवाद पहुंचाने का काम कर रही है। और उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। आज 31 जुलाई है और आज जो तय किया गया था उसके अनुसार 31 जुलाई को परिवहन विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, परिवहन विभाग से अर्थ आम जनों के बीच यही जाता है कि सिर्फ परिवहन के अंदर ट्रक है, बस है, गाड़ी है, छोट गाड़ी से ही संबंध जाता है, लेकिन परिवहन विभाग के अंदर 4 कंपोनेंट है। इसके अलावा रेल का भी पड़ता है, वो भी परिवहन के अंदर आता है। वैसे तो केंद्रीय मंत्रालय होता है रेल के अंदर, लेकिन जो राज्य सरकार के हिस्सेदारी से जो काम होता है वो रेल का भी भाग आता है। उसी प्रकार तीसरा है वायु मार्ग, जो आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर या जगह जगह जो हवाई अड्डे हैं उनमें राज्य सरकार का भी योगदान से ही संभव हो पाता है। और चौथा है जल मार्ग, वो जल मार्ग भी परिवहन का ही एक अंग है। जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, भाजपा अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। पिछले पखवाड़े कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के झारखंड आगमन के बाद आज भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी रांची पहुंची। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटकर के स्वागत में मंत्री लुईस मरांडी एवं नीरा यादव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद से पूरे देश की मुस्लिम महिलाएं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं और इस बिल को ऐतिहासिक बता रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इस बिल की सराहना करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया और कहा कि आने वाले समय में इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी गई कि आने वाले समय में सदस्यता अभियान के दौरान 2 लाख महिलाओं को भाजपा से जोड़ा जाएगा। साथ ही रक्षाबंधन में मुख्यमंत्री को राखी बांधने का कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भी चलाया जाएगा। महिलाओं को हमेशा बढ़ावा देना, ये काम हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा महिला सांसद ये भारतीय जनता पार्टी की ही है, इसके पहले भी थी। वैसे ही विधायक के लिए भी हम महिलाओं को काफ़ी अच्छी मात्रा में हम टिकट देंगे। पर उसके साथ साथ मुझे आपको ये भी कहना है, हम ही तो वो पार्टी है जो महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, उनको बहुत अच्छा सम्मान दे रही है। और इसीलिए आज केंद्र में 6 महिला आज मंत्री के रूप में काम कर रही है। 15 या 16 तारीख को झारखंड की 10,000 बहनें, ये जो गुंज से 5 लाख राखी आएगी वो माननीय सीएम साहब को बांधेंगे।
तीन तलाक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जहां मुस्लिम महिलाएं इस बिल का सम्मान कर मोदी सरकार की तारीफ कर रही हैं, वहीं कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और इसी के तहत रांची के हिंदी पीढ़ी में झारखंड इदारे शरिया झारखंड के उलामा एकेराम की एक महत्वपूर्ण बैठक मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी की अध्यक्षता में हुई, जहाँ सभी ने तीन तलाक बिल का विरोध किया और कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के हित में नहीं है। इसके साथ ही बैठक में मौजूद सभी लोगों ने बिल का विरोध किया और कहा कि यह बिल कहीं से भी महिलाओं के हित में नहीं है, और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी किया। कल ही लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये ट्रिपल तलाक कानून, ट्रिपल तलाक जो विधेयक पास हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये बिल, ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं के लिए जहरे हलाहल है, काला कानून है, उनके खिलाफ जुल्म तशद्दुद और भी बढ़ेगा, और सरकार की तरफ से उन्हें जहनी तौर पर, माशी तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्हें डैमेज करने के लिए ये विधेयक जानबूझकर लाया गया है। पाकुड़ जिले के आम्रपाड़ा थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले के मुख्य आरोपी रिजवान अंसारी को पुलिस ने बड़ा सरसा गांव से गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें सजा मिल सके। आपको बता दें कि 25 जुलाई को 21 वर्षीय पहाड़िया युवती शौच करने तालाब गई थी, तभी 5 अज्ञात अपराधियों ने पहाड़िया युवती का जबरन अपहरण कर अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। एक लड़की जो इंटर की छात्रा है, उसे शाम में लगभग 7 बजे के आसपास 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बोलेरो गाड़ी से अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पुलिस विगत 5 दिनों से थाना प्रभारी, एसडीपीओ और पूरी टीम लगी हुई थी इस कांड के उद्भेदन में। शुरू में बातें आई थी कि लड़की जिससे प्रेम करती थी वो उसको फ़ोन करके बुलाया था, और उसके बाद वो लड़का आया नहीं और लड़की गायब हो गई। लेकिन लड़की के आने के बाद पूरी संजीदगी के साथ पुलिस छानबीन की, तकनीकी अनुसंधान का भी इसमें बहुत मदद लिया गया। फाइनली जो इस दुष्कर्म में शामिल थे उसमें एक लड़का गिरफ्तार किया गया। रात्रि होने के चलते लड़की जिस जगह पर बलात्कार हुआ था वहाँ के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पहचान करवा पा रही थी, लेकिन दुष्कर्म करने वाला जब लड़का पकड़ा गया, दुष्कर्म का पॉइंट जो है जहाँ पर घटना घटी थी वो दिखाया, और वहाँ से उसके निशानदेही पे जो लड़की है उसकी चप्पल वहाँ छूटी हुई थी। लड़की पहले ये बात बताई थी पुलिस के पास कि बलात्कार करने के बाद जब लड़के उसको पकड़ के ला रहे थे उस समय चप्पल वो नहीं पहन पाई थी, उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, तो वो चप्पल वहाँ पर अभी भी उस जंगल में पड़ा हुआ था। पुलिस के द्वारा लड़की का चप्पल बरामद किया गया है, तो ये बिल्कुल प्रूफ करता है कि वही घटना है जहाँ पर बलात्कार हुआ था और जवान सही जगह पर ले गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में मोमेंटम झारखंड के अंतर्गत बांस कारीगर मेला लगाया जा रहा है। बांस कारीगर मेला 18 और 19 सितंबर को लगाया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों, कारीगरों और बांस आधारित व्यापारी एवं निवेशकों को एक केंद्रित मंच प्रदान करना है ताकि बांस से जुड़े सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। 2 दिवसीय बांस कारीगर मेला में वैज्ञानिक वृक्षारोपण और खेती तथा अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से बांस की सामग्री बनाने की जानकारी दी जाएगी। बैम्बू मिशन है, उसका अंतर्गत में प्लांटेशन करने के लिए भी सपोर्ट किया जा रहा है। उसी दिन में यहाँ पर हाई वेराइटी बैम्बू का भी उस दिन में नर्सरी कर लिया जाएगा, उसमें सेल भी रहेगी। जिसका आज का डेट में इंडिया में एक सबसे बढ़िया बैम्बू बोलता है बीमा बैम्बू बोलता है, वो बीमा बैम्बू है, वो आपका वो मोसूर से यहाँ पर आई, उस दिन में आ रही है उसका मोसूर, मोसूर वो बैंगलोर का बारे में आया था तमिलनाडु, वहाँ से बीमा बैम्बू है, वो बीमा बैम्बू आ रही है उसका, यहाँ पर भी लोकल हम लोग एक ट्रेडिशनल चला तो वहाँ से भी वो हाई यील्डिंग वैरायटी का बैम्बू है, उसका भी प्रमोशन के लिए वहाँ पर उसी का भी नर्सरी का सेल भी रहेगी नर्सरी। MSME मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ट्रैवल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्राची के सहयोग से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को जेम पोर्टल पर निबंधन की जानकारी दी गई ताकि उनके उत्पादों को उक्त पोर्टल के माध्यम से मार्केटिंग हेतु एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। जो हमारा सेमिनार है वो बोल रहे हैं हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के ऊपर है। इसमें क्या होता है, भारत सरकार मंत्रालय, विभाग, सेंट्रल पीएसयूज
और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो भी हम परचेज करते हैं वो अब ऑनलाइन परचेज करना होता है, मटेरियल्स या सर्विसेज। जैसे कि अगर हम मैन पावर सप्लाई की बात करें या फिनाइल की बात करें या बाकी चीज़ें भी जो हम परचेज करना चाहते हैं, उनको हमको जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेज करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये नहीं पता है कि जेम में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और प्रोडक्ट को कैसे लोड करें, उसकी फोटोग्राफ्स कैसे डालें। तो उसको पूरे ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये जो आज हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बता रहे हैं कि आप, और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाएँ। नमस्कार।